बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं एक मज़ेदार डिश के साथ हाजिर हूँ, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स कुछ ज़्यादा होते हैं और प्रोसीजर भी थोड़ा लंबा और मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको आसान नहीं कहूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास चिकन है तकरीबन 2 किलो, इसको अच्छी तरह धो के हमने रख लिया है यहाँ पर। और इसके बाद हमारे पास है प्याज, हमारे पास बड़े साइज़ की 3 अदद प्याज हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। हमारा बिरयानी कुछ ज़्यादा है, इसलिए इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी मिकदार में होंगे। इसके बाद हमारे पास 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको हमने ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, और 1.5 टमाटर जो है वो हमने ये बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया है। धनिया पुदीना है हमारे पास जिनको हमने धो के जो है वो यहाँ पे रख लिया है। इसके बाद हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, फिर हमारे पास हरी मिर्चें हैं जिनको हमने बारीक काट लिया है, और नींबू के स्लाइसेस हैं यहाँ पर हमने काट लिए हैं, और हमारे पास चाट मसाले का हमारे पास बिरयानी मसाले का एक पैकेट है वो हमने यहाँ डाला है। कुछ साबुत गर्म मसाले के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे दालचीनी है, बड़ी इलायची है, और कुछ लौंग और काली मिर्चें हैं, और बादियान है, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आप इसको कम ज़्यादा ले सकते हैं, 1 चम्मच बड़ा अदरा मिर्च है, साबुत पिसा हुआ गर्म मसाला है हमारे पास, ज़ीरा है कुछ, और सूखा धनिया है, फ्राई प्याज है हमारे पास, और जर्दे का रंग है जिसको हम बिरयानी में डालेंगे, और 2 चम्मच चाट मसाला है। ये हमारे पास यहाँ पे नींबू का रस है और दही है हमारे पास। तो आइए स्टार्ट लेते हैं, चावल जो है वो हम बाद में दिखाएंगे। रहमान रहीम, देचकी में हमने ऑयल डाल के रख दिया है। इसमें हमने पहले प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी, इसलिए इसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे इसमें, और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपना प्याज डालेंगे। तकरीबन हम 2 किलो चावलों की जो है बिरयानी बना रहे हैं। तो और इसके अलावा मुझे आपसे ये कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्याज वो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये प्याज डाल रहे हैं। और एक बात और बार बार मुझे कहना पड़ती है अपने नए देखने वालों के लिए कि मैं अपनी वीडियो जो है खाने की वीडियो वो खुद बना रही होती हूँ, एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से खाना बना रही होती हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप लोग जो है वो इसको माइंड नहीं करते, मेरी मजबूरी समझ के आप इसको अवॉइड करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कम्प्रोमाइज़ करने के लिए। प्याज को हम ब्राउन करेंगे, ये प्याज हमारी जो है वो हो रही है ब्राउन, मिकदार में कुछ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है अभी, इसको थोड़ा सा और वक्त दरकार है। ये काफ़ी हद तक हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है, लेकिन अभी भी उस तरह नहीं हुई जिस तरह की हमें चाहिए। अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। रहीम, देखिए प्याज हमारी जो है वो हमें जैसी चाहिए थी वैसी हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है हमारे पास वो डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। अदरक का पेस्ट डाल दिया है, इसको हमने तकरीबन 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपनी जो है वो चिकन डाल रहे हैं। चिकन डालने के बाद जो है हम इसको कुछ देर फ्राई करेंगे चिकन को। देखिए गोश्त हमारा जो है तकरीबन फ्राई हुआ है इसमें काफ़ी। अब हम इसमें हमारे पास ये जो टमाटर हैं जो बारीक कटे हुए थे वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसको कुछ देर फ्राई करेंगे। टमाटर हमारी जो है वो हमने 2 से 3 मिनट इसको भून लिया है, और
अब हम जो है इसमें हमारे पास जो फेंटा हुआ दही है हम उसके 2 बड़े चम्मच तकरीबन वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं, हमने इसमें डाल दिया है। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन है, अगर गोश्त होता तो हमें ज़रूरत पड़ती। उसके बाद हमारे पास यहाँ ये जो मसाले हैं ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है और बहुत अच्छी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और अभी इसमें पानी है तो हम खुश्क करेंगे। देखिए देखिए मसाला हमारा जो है वो भून रहा है, लेकिन अभी इसमें पानी है, इसका पानी खुश्क होने तक हम इसे मज़ीद पकाएंगे और जब तक हमारा चिकन भी गल जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कि देखिए मसाला जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह भून गया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब आइए अपने अगले मरहले की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारे पास 2 किलो चावल हैं, हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और अब इसको धोने के बाद हम इसको 15-20 मिनट के लिए भिगो देंगे। रहमान रहीम। चावलों को हमने अच्छी तरह धोने के बाद जो है वो भिगो दिया है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। हमने पानी डाल दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि उबल जाए। अब हम इसमें जो है वो नमक डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन 9 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी मिकदार जो है वो सिरके की डालेंगे और इसको उबाल आने देंगे। रहमान रहीम। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें जो है वो चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए माशाल्लाह चावल जो है वो हमने इसमें डाल दिए हैं सारे और अब हम जो है वो इसको एक कली रख के हम उबाल लेंगे चावलों को। ध्यान रखना है आपने कि ज़्यादा ना गल जाएं। हमारे चावलों को जो है उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम इंतज़ार करेंगे कि एक कली रह जाए। आप सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ें जो उसने इतनी सारी बताई थी वो कहाँ गई, तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो हम क्या करेंगे उसका। हमारे पास है प्याज ब्राउन हुई हुई और लीमू का रस है, दही है, रंग है फूड कलर है और चाट मसाला है, टमाटर हैं स्लाइसेस में, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें और लीमू के स्लाइसेस जो हम दम में लगाएंगे। चावल एक कनी रख के निचोड़ लिए हैं और दिक्चे में एक तह लगा ली है, अब हम इस पर सालन की तह लगाते हैं। देखिए हमने इस पर सालन की तह लगा दी है, अब हम इस पर जो है वो थोड़ी सी ये ब्राउन प्याज छिड़केंगे और हमारे पास ये जो धनिया पुदीना है कुछ ये छिड़क देंगे, इसके ऊपर स्लाइसेस डालेंगे, टमाटर के स्लाइसेस हैं हमारे पास वो डालेंगे, ये लीमू के स्लाइसेस डाल रहे हैं हम, हरी मिर्चें डाल रहे हैं साथ में, और हमारे पास यहाँ जो दही मौजूद है हम वो भी इस पर थोड़ी सी छिड़क रहे हैं और हम इस पर एक दफ़ा और चावलों की तह लगाएंगे। हमने दूसरी तह भी चावलों की लगा दी है, अब हम इस पर जो है धनिया पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें और जो हमारे पास स्लाइसेस हैं टमाटर और नींबू के वो भी हम इस पर डाल देंगे। देखिए इस तरह से ही हमने डाल दिया। हमारे पास जो ये लीमू का रस है वो भी हम इस पर जो है वो अच्छी तरह से इसको डाल देंगे और ये चाट मसाला था हमारे पास
वो भी हम इस पे छिड़क रहे हैं। ये हमने डाल दिया चाट मसाला अच्छी तरह। और इसके अलावा हमारे पास है फूड कलर, जो हम ऐसे डाल रहे हैं इस पे, देखिए वो भी हमने इसको ऐसे डाल दिया है फूड कलर को। और हमारे पास ये ब्राउन प्याज है, ये जो फ्राई हुई हुई, वो भी हम इस पे और डाल रहे हैं। और अब हम जो है इसको दम लगा देंगे। पहले जो है हम फ्लेम को 5 मिनट तक तेज़ रखेंगे, फिर हल्का करेंगे। रहीम, देखिए बिरयानी हमारी माशाल्लाह तैयार है। वक्त की कमी की वजह से मैं जो है इसको आपको मिक्स करना नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली ही वीडियो बना रही होती हूँ। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चेक कीजिएगा, बहुत मज़े की बिरयानी होगी। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।